कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस को। अब इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालते हैं। आलू को हमने फ्राई करना है। मैंने मीडियम साइज के आलूओं को दो हिस्सों में काट लिया है। आप छोटे आलू का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे पास था नहीं तो मैंने मीडियम साइज के आलू को दो हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहे तो उबले आलू का भी यूज कर सकते हैं। उबले आलू उबाल कर उसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चे आलू को फ्राई किया है। कच्चे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आलू फ्राई किया था, उसका बचा हुआ तेल था। अब हम इसमें डालते हैं जीरा, 6 काली मिर्च, 2 छोटे तेजपात के पत्ते, 1 काली इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। पहले हम इसको डालते हैं। और साथ ही आधी कटी हुई प्याज दी है मैंने, मैं उसको भी डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल देते हैं। पांच हरी मिर्च इसे भी डाल देते हैं। आधा किलो आलू थे तो मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, इसे भी डाल लेते हैं। मीडियम साइज के 3 टमाटर थे। साथ ही अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक, टेस्ट के अनुसार नमक लिया है। इन सबको भी हम डाल लेते हैं। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेते हैं। मसाला भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया, ये भून चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालते हैं, इसे भी चला लेते हैं। थोड़ी सी देर के लिए और भूनते हैं। मसाला पूरी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। दम आलू बन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालते हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो दम आलू बन चुके हैं, इन्हें मैंने बाउल में निकाल लिया है।
और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको दम आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।